ऊपर नहीं ऊपर है शायद, तो हमारी रिहायश के नीचे है, वहाँ से भी हम पैदल आए या नरानी समझो, नरान से पैदल आए वो उधर नीचे से जी, वो सेफ हम लूप पे पीछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जी नरान में तकरीबन चौथा दिन है, तो सुबह के तकरीबन 7 बज चुके हैं। ये हमारा कमरा है, तो हमारा जो सामान है वो वैसे ही बिखरा पड़ा है, तो वैसे मैंने नहा लिया, अब दूसरा भाई नहा रहा है। तो आज हमने प्लान किया है कि सैफ मलूक झील जाना है, तो इंशाल्लाह अभी आपको ले कर जाते हैं, और जाना भी मोटरसाइकिल ऊपर, और सारा ऑफ रोड है, तो नाश्ता हमने वापस आके करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी सामान थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, तो फिर निकलते हैं सैफ मलूक झील की तरफ। ये है सुबह का मंजर नादान का, बहुत ही ज़बरदस्त। वो सामने पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी है अभी भी, तो सूरज पूरा अपने देखिए चमचमाती धूप नज़र आ रही है आपको, और ये सारा नारायण बाजार है। देखें जी सैफ मलूक झील का सफ़र हमारा जारी और सारी है, बाइक बिल्कुल ही पहले गियर में लेके जाते हैं फिर भी बंद हो जाती है। ये बर्फ यहाँ से पिघल गई है, पानी जा रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है, और आप देखें कहाँ किसी देखिए बर्फ जो पिघल पिघल को आ रही है, बहुत ही कूल और मुनासिब सिलसिला बना हुआ है। तो जी दोस्तों फाइनली हमने तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया है, बाइक बार बार बंद हो जाती है क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है जैसा कि आपको नज़र आ भी रहा है। वो बाइक खड़ी हमारी और पीछे सैफ भाई को काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ी है, और मुझे लगता है अभी गर्मी लग रही है आपको हैं, क्योंकि चल के आ रहे हैं ना, और ये जीपों वाले भी देखें मज़े से जा रहे हैं ये जीपों में बैठ के, मगर जो बाइक पर मज़ा है ना उसका एक एडवेंचर है और मज़ा, क्योंकि वादियाँ खुली खुली देखता है इंसान, तो ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ऐसा करते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ सैफ मलूक झील की तरफ। हमारी खड़ी है जी बाइक 125 18 मॉडल, ज़बरदस्त
ये जो हमें शेखपुरा से सैफ अल मलूक झील के ऊपर लेके आ गई है, इसका तो शुक्रिया अदा बनता ही है यार। देखिए जी, जो नैनपुर गाड़ी है वो भी जा रही है, तो ये भाई भी हमारे जा रहे हैं बाइक लेके। कभी वो चला लेता है, कभी मैं चला लेता हूँ। तो पीछे बड़ा खूबसूरत चश्मा बह रहा है और ये जा रहा है जी सारा पानी नीचे की तरफ, ये जरा एक धार में जा गिरेगा। से आए हैं जी, तो ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जीपें आपको नज़र आ रही है, रास्ता सारा ऑफ रोड है। वैसे मेरा मशवरा है कि आप बाइक पे ना आए, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपके लिए वीडियो बनानी थी इसलिए आ गए। तो बेसिकली सही जीप ही है ये, आपसे 2 से 4 हज़ार रुपये लेंगे तो आपको सैफ अल मलूक झील के ऊपर ले जाएगी। देखें लड़की भी आ रही है अकेली। बहुत आदि हो गए चलने के ना, इसलिए हमें बहुत कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। अच्छा, वैसे भी पहाड़ों में हमारी पैदाइश इधर की है बस। नहीं अच्छा, तो यार ये कहते हैं कि बंद हो जाता है सर्दियों में, तो आप इधर रहते हो कि नीचे चल जाते? सर्दियों में इधर कोई नहीं रह सकता, वो तो पूरी शहजादों का काम है। हैं? परी शहजादों का काम है। हाँ। हमारा तो बस का बात नहीं है, बहुत बर्फ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें हम ब्लॉकआउट चले। तो ये बहना भी साथ ही आ रही है आपके? जी जी, उधर ही उसके हमारे घर है पीछे काश गली जगह। अच्छा, ये ऊपर एक गाँव है जी, आसू जी के नीचे भी है। यानी कि अभी ऊपर जा रहे हो? जी ऊपर नहीं, ऊपर है शायद। तो हमारी रिहायश के नीचे है, वहाँ से भी हम पैदल आए या नरानी समझो, नरान से पैदल आए। वो उधर नीचे से? जी वो सैफ अल मलूक पे पीछे जाएंगे आप, सैफ अल मलूक से 1 घंटा लगते पीछे। अच्छा, सैफ अल मलूक से पीछे जाएंगे आप? जी जी, वाकई ये क्या हकीकत? हकीकत है सर, यकीन नहीं तो आप साथ चल सकते। दोस्तों मैंने वो भाई से पूछा था तो वो कह रहे हैं अभी ये ऊपर जाना उन्होंने पहाड़ों के साथ, वो कह रहे हैं कि हमने जो सैफ अल मलूक झील है उससे फिर आगे जाना है, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र आगे का। तो ये देख लें लेडीज़ हो गए, वो थक नहीं रही, तो हम मैं बस क्या करूँ, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते नहीं ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी सांस चढ़ जाता है। तो ये देखें जा रहे हैं ऊपर। फाइनली दोस्तों हम सैफ अल मलूक झील के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये सामने मेरे नज़र आ रही होगी आपको सैफ अल मलूक झील, और काफ़ी ज़्यादा जीपें खड़ी हैं, मगर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बाइक पे ना आएँ, अगर आना भी है तो अकेले आएँ, ठीक है? हम 2 बंदे थे, हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम सैफ अल मलूक झील के ऊपर आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं अभी नीचे की तरफ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Something out of my nightmares.
सैफल मलूक झील के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे झील है सारी और वो एक पहाड़ है एक, तो ये भी भाई हैं, ये भी आए हैं। भाई कहाँ से आए? हम डी खान से आए, डी जी खान से। ये भाई आए हैं डेरा इस्माइल खान से आए हैं ये जी जी। तो ये सैफल मलूक झील देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये दोस्तों, इसमें कश्तियों की सहूलत भी है इस सैफल मलूक झील में, तो आप बोट का मज़ा भी ले सकते हैं। और ये देखें सैफल मलूक झील, और काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। जी ये हमारा रूम है, एक व्यू वाला, डबल बेड भी है और साथ में दो सिंगल बेड हैं। ये आप आए, आपको मैं व्यू भी दिखाता हूँ यहाँ से। अभी ये देखें, आप ये देखें ज़रा, एक साथ। और ये आ गया हमारा डबल बेड। ये बैठने के लिए चेयर भी रखी? हाँ जी, ये चेयर्स हैं। आ गया डबल बेड। और आए यहाँ से भी आपको एक नज़ारा कराते हैं झील का। ये देखें जी, सिर्फ ये एक होटल है हमारे यहाँ पे और रेस्टोरेंट है साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बिल्कुल मुनासिब रेट पे रूम्स वगैरह और सारा कुछ कर रहे हैं। Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel loose. Single rooms hai. Double bed hi hai family room ke liye. Aur ye dekhiye aap view yahan se. ये चेक करें ज़रा, बहुत साफ सुथरा है। ये देखें जी, कंबोर्ड लगा हुआ है और साथ में जेसन और यहाँ पे हमारे पास गर्म पानी है, वाईफाई लगा हुआ है, अच्छा हमारे पास अच्छा स्टाफ है, मैनेजमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और काफ़ी मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग सबके साथ। तो रेस्टोरेंट भी है ना आपका? हाँ जी, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, हम लाइव बारबेक्यू करते हैं सारा कुछ जो है, फ्राई फिश हो गया, लाइव बारबेक्यू हो गया, कढ़ाई वगैरह जो लाइव बनाते हैं उनके लिए अच्छा खाना मुहैया कर रहे हैं, फ्रेश हो ये ताकि कस्टमर हमारा अच्छा रहे। तो ये कब तक आ सकते हैं इधर? बस रेगुलर हमारा रेडी है, ये स्टार्ट है हम लोग तो। नहीं, आप बता दें कि रमजान शरीफ से रखिए तकरीबन यानी कि 5-6 महीने तकरीबन खुला रहता ना ये वाला सैफन लूप, ये पॉइंट जो है। हाँ हाँ, यही है, 3-4 महीने खुला रहता है, जून से स्टार्ट होता है सीजन, तो एट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर जो है ये बस क्लोज हो जाता है क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो ये 4 महीने जो है यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं, आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सैफल मलूक झील की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में हमें याद रखें। अभी हम इसके बाद जाना है जी बाबूसा टॉप, क्योंकि बारिश आने लगी है, हम जाने लगे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।